अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी शेबी सईद। अगर आप लोगों ने अभी तक शेबी सईद व्लॉग इंजॉय नहीं किया तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अब बहुत ही अच्छी वीडियोस आने वाली है, चैलेंज वीडियोस। कल भी एक अपलोड किया, बहुत ही मज़ेदार था, जिसका नेम था ट्राई नॉट टू लाफ। आप लोग वो वीडियो जाके लाजमी देखना, बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बहुत तफरी की और बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। तो आप लोगों ने वो वीडियो वो कल वाली लाजमी जाके देखनी है। आज मैं जो अपना व्लॉग स्टार्ट करो काफ़ी लेट, तो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। आज मैं शॉप नहीं जाऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और मैंने पापा को मना भी कर दिया, शॉप में काम ही नहीं है, जाके सिर्फ बैठना है। तो मैंने कहा पापा आज मैं नहीं आऊंगा, आज घर पे हूँ, मुझे कुछ काम है, तो आज घर में ही ब्लॉग वगैरह बनाएंगे और काम जो है वो फारिग करूँगा। मैं जब घर में होता हूँ ना तो मैं अपनी सिस्टर लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करता हूँ। अभी मैंने उनको कहा था कि आप मेरे लिए नूडल्स बना दो, तो अभी वो मुझे नूडल्स बना के दिए। अभी मैं ये जल्दी से खा लूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा जाऊँगा टेरिस पे और फिर घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि आज घर में ही है तो करेंगे इंजॉय। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि मैंने टिकटॉक छोड़ दिया, अपनी जितनी भी वीडियो थी म्यूज़िक वाली वो सारी मैंने प्राइवेट कर दी। अब कोई भी टिकटॉक में मेरी वीडियोज़ नहीं आएगी म्यूज़िक वाली, सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉग की क्लिप वगैरह आएगी, जो हम लोग जो व्लॉग बनाते हैं दोस्तों के साथ, फ़नी व्लॉग हो गया, चैलेंजेस वगैरह हो गए, इसकी आप लोगों को छोटी छोटी क्लिप मेरे टिकटॉक पे मिलेगी और इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम से मैं भी अपनी सारी रील्स वगैरह जो म्यूज़िक वाली थी वो सारी की सारी डिलीट कर रहा हूँ, और मैंने जो अपने जो मेरा टिकटॉक था उससे आधे से ज़्यादा वीडियो प्राइवेट कर दी। अभी और भी कर रहा हूँ, पूरी ख़त्म कर दूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ उसमें व्लॉग की छोटी मोटी क्लिप आएगी। आप लोग सिर्फ वही इन्जॉय करना, क्योंकि आज के बाद से मैं म्यूज़िक में कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा टिकटॉक में और ना ही इंस्टाग्राम में। जितनी भी फेसबुक में रील्स वगैरह थी वो भी डिलीट कर दिया, और स्नैक में जो था वो भी, स्नैक में तो मेरे काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर्स थे और वीडियो वगैरह काफ़ी अच्छे व्यूज़ वगैरह आते थे, वो भी सारी मैंने डिलीट कर दिए। अब सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के छोटे मोटे क्लिप आएंगे। और अभी मैं टेरिस में आऊँ, धूप जो निकला हुआ है ना वो पता ही नहीं चल रहा है कि धूप है, बिल्कुल मौसम काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है। अभी मैं इधर थोड़ा सा बैठूंगा, फिर उसके बाद यहाँ से जाऊँगा थोड़ा फैजी भाई लोगों के पास, क्योंकि 1 वीक हो गया उन लोगों के पास नहीं गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। और दोस्त की सिस्टर की शादी भी स्टार्ट है, तो मुझे अपना थोड़ा शेप वगैरह भी बनाना, वो 1-2 दिन बाद ही बना लूँगा, क्योंकि अभी टाइम है, 3-4 दिन बाद शादी स्टार्ट है तो उधर भी जाना है। व्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है, अब सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब ही यूज़ करना है बस, और टिकटॉक स्नैक वगैरह कुछ भी नहीं। थोड़ी बहुत धूप लग गई, माइंड फ्रेश हो गया, अब मैं जा रहा हूँ फैजी भाई लोगों के पास, क्योंकि 5:30 हो चुके हैं, फिर मगरिब का भी टाइम हो जाएगा। मैं वहाँ से चले गया था किसी दूसरे दोस्त के साथ, उधर मुझे काम था तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहा हूँ। पापा ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डांटा क्योंकि टाइम 10:10 बाकी है। अभी मैं घर पे आया हूँ, कब से गया हूँ 5:30 बजे से। अब मैं जल्दी से खाना खा लूँ क्योंकि भूख मुझे बहुत तेज़ लगी। बाहर हम लोगों ने कहा, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, मोबाइल घर में था वरना मैं व्लॉग लाजमी बनाता, मोबाइल में मैं घर पर रख कर गया हुआ था। खाना खा के फारिग हो चुका हूँ, और आप लोगों को पता है मेरे चैनल में 100 वीडियोज से ज़्यादा वीडियोज़ हो चुकी है। आइए, हाथ में स्पून है, 100 से ज़्यादा हो चुकी है। मैं देखा नहीं था, मैं आज ही देखा हूँ तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया यार, माशाल्लाह 100 से ज़्यादा हो गए। मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं डेली व्लॉग कर पाऊँगा और 100 से ज़्यादा व्लॉग इतने थोड़े ही दिन में हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुका है। और अभी मामा ने बनाया है मेरे लिए, मैं तो अभी खाना खा के फारिग हुआ हूँ, गाजर का हलवा बहुत ही ज़बरदस्त, इससे मैं आप लोगों का ही मुँह मीठा करवाता हूँ, क्योंकि मेरे कम्प्लीट हुए ना इंशाल्लाह 100K सब्सक्राइबर भी। आप लोग जितना प्यार दिखाएंगे बहुत जल्दी होगा, उसकी बड़ी सेलिब्रेशन होगी इंशाल्लाह, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप लोग खाएं जल्दी से मीठा, तो मैं खा लेता हूँ आप लोग के बदले। अब मैं जल्दी से खा के फारिग हूँ, फिर अपने काम लेकर बैठ जाऊँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। पता नहीं यार, खाना खाने के बाद ना ठंड काफ़ी ज़्यादा लगती है, रात को ख़ास तौर पे ठंड लगती है मुझे। मैं जब खाना खा के उठता हूँ बहुत ज़्यादा ही सर्दी लग रही होती है मुझे। और हाँ, आप लोग इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो ही नहीं कर रहे, आप लोग जाके फॉलो करें, वहाँ पर
बातचीत करेंगे, मैं लाइव भी आता हूँ वहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं कि रील्स डालना छोड़ दिया तो आप लोग मुझे फॉलो नहीं करें, फॉलो करें, काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्स डालता हूँ। और फिर इस यूट्यूब की जितनी भी अपडेट्स होती है वो सारी मैं इंस्टाग्राम पे ही दे रहा होता हूँ, कि कोई भी अपडेट्स हो वो सारी इंस्टाग्राम में आती है मेरी। और मैं लाइव भी आता हूँ और इंशाल्लाह कल यूट्यूब पे भी लाइव आने वाला हूँ। आप लोगों को व्लॉग में बता दे रहा हूँ, व्लॉग अपलोड करूँगा उससे समझे नेक्स्ट डे, ठीक है। इसीलिए जैसे व्लॉग अपलोड होगा, ठीक है, उसके अगले दिन मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा, तो फुल एंजॉय करेंगे लाइव आगे, दोस्त लोग भी मेरे सारे आएंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा लाइफ में। तो आप लोग इंस्टा पे भी मुझे जल्दी से जाके फॉलो कर लें। अभी मैं सबसे पहले लगा लूँ अपना लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप रखा हुआ है मेरे दूसरे रूम में, मैं इसको लेकर आता हूँ लगाता हूँ। अगर सिस्टर लोगों को कोई काम दे दिया जाए ना तो सब चीज़ तब आए। ये देखें, मैं दिन में सिस्टर को देकर गया हूँ कि मेरा लैपटॉप रख देना, ऐसे रखा है ये अलग, ये लैपटॉप है सिर्फ इसमें रखा हुआ। और ये देखें ये कैसे फेंका हुआ है माउस, ओ हो, ये देखें ये गुच्छा मैं तेज फेंक रहा हूँ, बाबा जब ब्लॉग देखेंगे बोलेंगे ये कौन सी हरकत है तुम्हारी। ये देखें ये सारे चीज़ ऐसे सिस्टर ने रख दिया था, इसीलिए अपना काम खुद किया करें, सिस्टर को नहीं दिया करें, क्योंकि हमेशा जब सिस्टर लोगों को देते हैं तो काम ख़राब ही होता है। मैं अपने काम में बैठ चुका हूँ और मैं सिस्टर को जो लैपटॉप ले दे कर गया था ना, ये देखें ये प्रीमियर ऐसे ही खुला हुआ है। मैं पूरा समझा के गया था उनको कि ऐसे ऐसे ऑफ़ करना, फिर आप ऐसे लैपटॉप ऑफ़ कर देना, लेकिन उन्होंने लैपटॉप का बटन प्रेस किया होगा, लैपटॉप बंद हो गया होगा, वो समझे होंगी बंद हो गया, उन्होंने ऐसी बैग में डाल दिया। तो मैं इसको बंद करता हूँ और फिर अपने काम में बैठ जाता हूँ, मुझे क्योंकि अभी बहुत सारा काम करना है। अपने पूरे टिकटॉक की आईडी प्राइवेट कर दिए, इंस्टाग्राम में रील्स डिलीट कर दिए, एफबी में रील्स डिलीट कर दिए, स्नैक वीडियो में भी सारी डिलीट कर दी, ओ टिकटॉक से सॉरी प्राइवेट बोल रहा हूँ, पूरी वीडियो डिलीट कर दिए, कुछ भी नहीं है अब, सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के क्लिप वगैरह आएंगे। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, अभी व्लॉग इसी व्लॉग में पहले बताया। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें और अपना बहुत सारा प्यार दिखाएं, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।